हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो मेरा नाम है अभय, वैसे मैं अपना नाम क्यों बता रहा हूँ। एनीवेज, तो आज लड़कियों के लिए एक चैलेंज है टंग ट्विस्टर का। इसमें कुछ वर्ड्स आपको दिए जाएंगे आपके स्क्रीन पर, इसे आपको 5 बार कंटिन्यूअसली बोलना है। और अगर आप इसे परफेक्टली 5 बार कंटिन्यूअसली बोल लेते हो तो यकीन मानो आपसे बड़ा जीनियस कोई नहीं हो सकता है। तो ये रहा वो वर्ड्स आपके स्क्रीन पर। तो आपने इसको क्या प्रोनाउंस किया वो कमेंट में जरूर लिखना, मैं उसका रिप्लाई करने के लिए बैठा हुआ हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो चलो यार, टाइम को ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, वेस्ट करेंगे, वो ज्यादा अच्छा होगा। अबे साले। तो यार, टाइम आ चुका है अपने आँखों को दर्द देने का, तो चलिए खत्म करते हैं। मरने के बहुत तरीके पर मैं सिर्फ तुम पे मरना चाहता हूँ। कितने दिन हो गए मेरी आँख। 17 साल वाले चचा और 15 साल वाली आंटी, रोस्ट करने के लिए हमारे पास भी बहुत लोग हैं, लेकिन हम तो सिर्फ तुम्हें ही रोस्ट करेंगे। प्यार देख रहे हो मेरा। और भाई, बात उस लड़की के ऊपर मरने की हुई है, मतलब उसके कंधे पे चढ़ के मरेगा। ये जो मेरे अलावा तुम पर मरेंगे, देखना ये साले सब मरेंगे। भाई साहब, इधर हो क्या रहा है, हर कोई मरने की ही बात कर रहा है। अरे चचा, पहले ढंग से पैदा तो हो जाओ, फिर मरने की बात करना। और भाई, तूने बोला कि तेरे अलावा उस पे कोई मरेगा तो वो मर ही जाएगा, मतलब कि तू उस पे पहले से ही मर रहा है और अभी तक तू मरा नहीं है, और जो दूसरे लोग उस पे मरेंगे वो मर ही जाएंगे। Where is logic, bro? ओ भाई भाई, क्वालिटी देख रहे हो कैमरा की। भाई बैकग्राउंड कितना ज्यादा मस्त लग रहा है, और यार ये कार तो और भी ज्यादा मस्त लग रहा है ये वाली बैकग्राउंड में, लेकिन यार इसके बीच में ये टट्टी सी शकल की। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो यार, इस 2003 वाली आंटी के लिए भी मैंने कुछ लिखा है, तो सुनना जरा गौर से। चैनल मेरा 2021 में बना, खोलते हैं इंस्टा, मुझे तेरा रील दिखा, तुम्हारे को देखते ही मन रोस्ट का हुआ। मुझे ये वीडियो में सिर्फ दो ही चीज दिखा, पहला है गाड़ी, दूसरा मैं बता नहीं सकता क्या था ये वीडियो में जो इतने लाइक्स मिला। भैया कुछ भी बोलो, रोस्ट करके मजा आ गया। मजा आया, हंसना आता है मुझे। अरे भैया, हंसना तो सबको आता है, आप अकेले थोड़ी हो जिसे हंसना आता है। मुझसे गम की बात नहीं होती, मेरी बातों में मजाक होता है, पर मेरी हर बात मजाक नहीं होती। भाई चल, माना कि तेरी हर बात मजाक नहीं होती, लेकिन यार तूने जो अभी बोला ना, उससे ज्यादा मजाक वाली बात कोई और हो ही नहीं सकती। और भाई, तुम्हारे बातों में लॉजिक ही कहाँ है, लगता है ये लोग वीडियो सिर्फ रील्स में अपलोड करते हैं और लॉजिक को अलग से अपने स्टेटस में अपलोड कर देते हैं। सुना है, बहुत उदास बैठे हो, कहो तो दिल भेजू खेलने के लिए। अरे दीदी जी, वीडियो तो आप रो रो के बना रहे हो, लेकिन यार इसमें हंसना है या फिर रोना है ये तो बता दो, क्योंकि यार तुम लोगों के बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनकर रोना आता है और तुम लोगों की बातों को सुनकर हंसी आती है। भाई करे तो करे क्या, इमोशनल डैमेज। भाई साहब, लगता है इसने भी दारू की जगह स्प्राइट पी रखी है। भाई ऐसे बचकानी बातें कौन करता है। भाई कसम से, इसकी ये वाली बात सुनकर मुझे बंदर और मगरमच्छ वाली कहानी याद आ गई, जब बंदर मगरमच्छ से कहता है, भाई मैंने अपना दिल तो पेड़ पर ही छोड़ाया है, और मगरमच्छ इतना मूर्ख होता है कि उसकी बात मान भी लेता है। भाई साहब, इंसान होकर मगरमच्छ से भी ज्यादा बेवकूफ है ये लोग। मैं एक दिन मर जाऊंगा और तुम्हें लगेगा कि ऑफलाइन हूँ मैं। भाई साहब, आजकल कोई मरने वाला ट्रेंड चला है क्या, सब कोई मरने वाली बात कर रहे हैं। इसलिए यार, आप लोग ऐसे क्रिंज ट्रेंड को कभी फॉलो मत करना, नहीं तो आपको अपना ट्रेंड यमराज लोग में भी दिखाने का मौका मिल जाएगा। और देखो यार, ये लोग वीडियो तो बहुत फनी बनाते हैं, लेकिन यार एक गलती कर देते हैं, बैकग्राउंड में फनी म्यूजिक डालने की जगह सैड म्यूजिक डाल देते हैं। तो यार, ये वीडियो सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट और फन के लिए बनाई गई थी, तो इसे सीरियसली मत लेना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो में मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, और जिन लोगों को मेरे से बात करना है वो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।